हेलो फ्रेंड्स आप सभी का अपने एच डी एस ट्यूटोरियल पर स्वागत है तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल यानी कि एन एस पी क्या होता है और इसमें कैसे पैसे मिलते हैं कब तक पैसे मिलते हैं और अप्लाई कैसे आप कर सकते हैं कौन कौन स्टूडेंट एन एस पी के लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है पढ़ने के लिए ठीक है दस हज़ार आठ हज़ार बीस हज़ार तक मिलता है हर ईयर ठीक है तो वीडियो के साथ पूरा बने रहिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए खासकर गरीब स्टूडेंट्स जो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी पैसे की कमी से उन लोगों के लिए स्कॉलरशिप निकाला जाता है हर साल ठीक है आप इस स्कॉलरशिप फॉर्म भर के आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं जिससे आपको अपना पढ़ाई करने में काफ़ी मदद मिलेगा तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एन क्या है ओके okay? ये नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल क्या है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल एन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल भारत के गरीब परिवार के बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं उनकी पढ़ाई के लिए सरकार छात्रवृत्ति देती है जिससे कि विद्यार्थी अपने आगे की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं छात्रवृत्ति के लिए अब विद्यार्थियों को विभिन्न आवेदन फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे उम्मीदवार अब स्कॉलरशिप का लाभ उठाने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ही ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ध्यान रखें कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को प्राप्त होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड योग्यता को पूरा करेंगे तो देखिए सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड योग्यता को पूरा करेंगे तब भी आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा अगर देखिए एन का उद्देश्य यही है कि देश में जितने भी गरीब या विकलांग बच्चे हैं उनकी माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आप पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें ठीक है तो चलिए अब हम लोग पहले एन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मन में होगा तो वो सबके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल से जुड़े कुछ प्रश्न और उनके उत्तर एन का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ठीक है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अगर देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट क्या है यहाँ पर देखिए कहा जाकर आप अपना आवेदन भर सकते हैं तो देखिए वेबसाइट है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का नेक्स्ट देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का उद्देश्य क्या है एन का उद्देश्य सभी गरीब छात्र या छात्रों को शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाए ताकि हर छात्र अपना एक अच्छा भविष्य बना सके अगला क्वेश्चन आपके मन में होगा कि भारत में कौन कौन से राज्य में छात्र छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठा सकते हैं तो देखिए आंसर भारत में लगभग सभी राज्य व सभी केंद्र शासित प्रदेश इस योजना के अंतर्गत आते हैं ठीक है भारत का सभी राज्य इस योजना के अंतर्गत आता है तथा योजना का लाभ उठा सकते हैं अगला क्वेश्चन होगा कि छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक कितने छात्रों ने आवेदन किया है ठीक है तो देखिए छात्रवृत्ति का छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने के लिए अभी तक लगभग लगभग एक लाख लोगों ने आवेदन किया है जिसमें से लगभग लगभग 105 लाख छात्रों का आवेदन स्वीकृत या फिर सत्यापित किया गया है ठीक है तो बहुत ही कम को रिजेक्ट किया जाता है अगला क्वेश्चन इस योजना को लेकर यह आपके मन में होगा कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति में आवेदन कब कर सकते हैं तो देखिए हर छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने की अलग अलग तिथि निर्धारित की जाती है आवेदन करने से पहले आप तिथि अवश्य जांच लें यानी कि हर साल आपका अलग अलग डेट को छात्रवृत्ति फॉर्म भराया जाता है ठीक है ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड रहता है आई थिंक 2022 में यानी कि 2022 में दिसंबर में लास्ट डेट है तो मैं बताऊंगा इस बार का भी लेकिन वीडियो के बाद में बताऊंगा ठीक है वीडियो के लास्ट लास्ट में बताऊंगा तो आगे देखिए नेशनल छात्रवृत्ति में यदि उम्मीदवार का चयन हो जाता है तो छात्रों को कितना छात्रवृत्ति दी जाएगी तो देखिए उत्तर चयन होने के बाद सरकार द्वारा निर्धारित धनराशि आपके खाते में भेज दी जाएगी आपकी स्थिति क्या है उस हिसाब से सरकार आपके बैंक खाते में पैसे भेजेगी ठीक है और कुछ क्वेश्चन है तो चलिए उसके हम लोग कर लेते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से जुड़े हेल्पलाइन नंबर ठीक है आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल करके भी मदद ले सकते हैं अगर देखिए यदि आपको आवेदन करने में या आपके सारे मानदंड पात्रता पूरे होने पर भी आपको छात्रवृत्ति प्रदान नहीं हुई या आपको कोई अन्य समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर फोन या ईमेल कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए फोन नंबर भी दिया हुआ है तो आई होप ये वर्क करता होगा ठीक है आई एम नॉट श्योर मैंने गूगल से निकाला है बट गूगल में था तो आई थिंक ये वर्क करता होगा नेक्स्ट देखिए मेल मेल तो ज़्यादातर चांसेस sure है हंड्रेड श्योर है कि मेल वर्क करेगा ठीक है देखिए मेल का नाम है यहाँ पर हेल्प डेस्क एट द रेट एन एस पी डॉट गोव डॉट इन ठीक है ये आपका मेल है और यहाँ पर फोन नंबर है इस फोन नंबर पर कॉल करके आप जो भी डाउट है एन एस पी से रिगार्डिंग पूछ सकते हैं चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दो हजार बाईस में आपका लास्ट डेट कब तक है तो देखिए जो यह एन एस पी है लॉन्च किसने किया है केंद्र सरकार द्वारा ठीक है यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको लॉन्च किया है ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट फिर आगे देखिए यहाँ पर मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार अगर देखिए लाभार्थियों यानी कि देश के सभी छात्र इसका लाभ ले सकते हैं उनमें से आप भी हैं ठीक है ठीके? अगर देखिए छात्रवृत्ति शुरुआत की तिथि जुलाई 2022 अभी 2022 का जुलाई का ही महीना चल रहा है और NSP में फॉर्म भराना शुरू हो चुका है ठीक है तो चलिए नीचे देखते हैं आवेदन करने की अंतिम तिथि दिसंबर में है इकतीस दिसंबर यानी कि अभी आपके पास मोटा मोटा पूरा पूरा छः महीने का टाइम है छः महीने से भी ज़्यादा ठीक है छः महीने से भी ज़्यादा लगभग लगभग नौ दस महीने का टाइम है आपके पास तो आप नौ दस महीने में कभी भी भर सकते हैं मैं आपको बता दूँ कि जब आप फॉर्म भरिएगा और जब वह स्वीकृत हो जाएगा उसके छः महीने के अंदर छः महीने के अंदर आपका जो स्कॉलरशिप है वो आना शुरू हो जाता है इसको ध्यान में रखिएगा इसलिए जितना आप जल्दी भरिएगा उतना अच्छा रहेगा अगर देखिए लाभ है छात्रवृत्ति लाभ है ये तो सभी को पता है देखिए आवेदन की विधि आवेदन की विधि सिर्फ ऑनलाइन है ऑफलाइन का कोई चांस नहीं है अगर देखिए आधिकारिक वेबसाइट मैंने पहले भी बताया है स्कॉलरशिप डॉट गोव डॉट इन ये इसका मेन वेबसाइट का नाम है इसी वेबसाइट पर जाकर आपको अपना फॉर्म भरना है अब देखिए वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट लगेगा और कौन कौन सा क्राइटेरिया है कौन कौन सा कंडीशन है कि आप इस फॉर्म को भर सकते हैं तो देखिए सबसे पहला है आय प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बहुत ही जरूरी है वैसे यहाँ पर जो कुछ मैं बताने वाला हूँ सब कुछ होना चाहिए एक भी चीज़ नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा उसमें देखिए सबसे शुरू है आय प्रमाण पत्र और आपका जो परिवार है उसका सालाना इनकम एक लाख से लेकर दो लाख के बीच में होना चाहिए दो लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए सालाना इनकम तब आप इस फॉर्म का इस छात्रवृत्ति का फ़ायदा ले सकते हैं ठीक है कंडीशन पहला मैं रिपीट कर दे रहा हूँ एक लाख से दो लाख के बीच में आपका सालाना इनकम होना चाहिए आपका परिवार का तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा दो लाख से ज़्यादा रहेगा तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा सेकेंड देखिए यहाँ पर आपका जो भी सर्टिफिकेट है जैसे कि स्कूल का सर्टिफिकेट मार्कशीट आप सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कौन से क्लास वाले भर सकते हैं ठीक है तब सर्टिफिकेट पता चलेगा तो देखिए अगर आप टेंथ क्लास का फाइनल एग्जाम लिखने के बाद इस फॉर्म को भरते हैं तो भी भर सकते हैं अगर आप ट्वेल्व क्लास का फाइनल एग्जाम लिखने के बाद इस फॉर्म को भरना चाहे तो भी भर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएशन के बाद ठीक है यू जी यू जी यानी कि ग्रेजुएशन के बाद इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आप टेंथ क्लास के बाद ठीक है टेंथ क्लास का एग्जाम लिखने के बाद इस फॉर्म को भर रहे हैं तो टेंथ क्लास का जो भी सर्टिफिकेट है लगेगा अगर आप बारह क्लास के बाद इस फॉर्म को भर रहे हैं तो बारह क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा ग्रेजुएशन के बाद इस फॉर्म को भर रहे हैं ठीक है ग्रेजुएशन के बाद इस फॉर्म को आप भर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट लगेगा और हर एक क्लास के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप है जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूँ टेंथ क्लास के बाद अगर आप भरते हैं फॉर्म तो टेंथ के बाद इलेवेंथ ट्वेल्व होता है ठीक है ग्यारह बार क्लास पढ़ना पड़ता है आप लोगों को टोटल दो साल पढ़ना पड़ता है तो आपको यहाँ पर देखिए ग्यारह क्लास में आठ हज़ार मिलेगा और फिर बारह क्लास में भी आठ हज़ार मिलेगा ठीक है हर एक साल तो टोटल आपका यहाँ पर सोलह हज़ार हो जाएगा सोलह हजार आपको मिलेगा अगर आप दस क्लास का फाइनल एग्ज़ाम लिखने के बाद भरते हैं तब अगर आप बारह क्लास का फाइनल एग्ज़ाम लिखने के बाद इस फॉर्म को भरते हैं तो बारह क्लास के बाद ग्रेजुएशन होता है जो कि तीन साल का होता है तो आपको तीन साल पैसा मिलेगा दस दस हज़ार करके ठीक है दस दस हज़ार करके तीन साल मिलेगा दस दस हज़ार तो इस तरीके से टोटल आपके पास तीस हज़ार हो जाता है ठीक है थर्टी के तीस हज़ार हो जाता है बारह क्लास के बाद इस फॉर्म को भरते हैं तब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद यूजी यू के बाद इस फॉर्म को भरते हैं तो आप पी कर सकते हैं ठीक है पीजी पीजी पी जी के लिए कितना साल का समय लगता है दो साल तो आपको दो साल पैसा मिलेगा कितना कितना मिलेगा हर एक साल बीस हज़ार मिलेगा बीस हज़ार दो साल तक दो साल तक बीस हजार मिलेगा तो इस तरीके से टोटल आपका चालीस हज़ार हो जाएगा ठीक है इस तरीके से ये स्कॉलरशिप को भरा जाता है जैसे कि दस क्लास का आप एग्जाम दिए उसके बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं बारह क्लास का एग्जाम दिए उसके बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं ग्रेजुएशन आप फाइनल किए यू आपका फाइनल हो गया उसके बाद इस फॉर्म को भर सकते हैं अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगा लगभग लगभग अगर हम ग्रेजुएशन के बाद का बात करें तो चालीस हजार आपको मिल रहा है दो साल में चालीस हजार चालीस हजार भोले बाबा का प्रसाद तो है नहीं कि आपको फ्री फोकट में मिल जाएगा ठीक है इसका भी क्राइटेरिया है कम से कम आपका अस्सी परसेंट मार्क्स होना ही चाहिए तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है अस्सी परसेंट मार्क्स होना चाहिए तभी आप सेलेक्ट होइएगा ठीक है टेंथ क्लास में अस्सी परसेंट होना ही चाहिए ठीक है ऑलमोस्ट एट्टी परसेंट तो होना ही चाहिए उसी प्रकार ट्वेल्व uh, क्लास में भी आपका अच्छा नंबर आना चाहिए तभी आप फॉर्म भर सकते हैं ग्रेजुएशन में भी अच्छा नंबर आएगा तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं इस बात को ध्यान में रखिएगा बेसिकली क्लास टेन में आपको एट्टी परसेंट लाना ही पड़ेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं इस फॉर्म को भरने के बाद आपको कोई भी एग्जाम देने की जरूरत नहीं है स्कॉलरशिप के लिए ठीक है बस अस्सी प्रतिशत से ज़्यादा आपका मैट्रिक में आ गया तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और आपको पैसा मिलने शुरू हो जाएगा अगर देखिए अगर विकलांग है तो विक, विकलांगता का सर्टिफिकेट ठीक है अगर देखिए आधार कार्ड लगेगा अभिभावक का नाम लगेगा राशन कार्ड फोटो कॉपी लगेगा अगर देखिए उम्मीदवार का फोटो लगेगा फिर क्राइटेरिया या कैटेगरी कैटेगरी है कैटेगरी आपको पता है कि कैटेगरी आप अगर कोई कोई लोग जनरल से होते हैं तो उनको छात्रवृत्ति नहीं मिलता है लेकिन 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 जनरल वाले को भी इसका लाभ होगा ठीक है कास्ट से कोई मतलब नहीं है आप एस सी हैं एस टी हैं ओ बी सी हैं ओ बी सी वन ओ बी सी टू जनरल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है फर्क पड़ता है आप टेंथ क्लास में कितना परसेंट लाते हैं एट्टी परसेंट आपका रहेगा तो आपको आराम से स्कॉलरशिप मिलेगा अगर देखिए मूल निवास प्रमाण पत्र ये भी बहुत जरूरी है ठीक है जिसको हम लोग आवासीय कहते हैं रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट कहते हैं तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए और वेबसाइट पर एक बार हम लोग जाकर देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म को हम लोग भर सकते हैं तो ये मेन पेज है ठीक है होम पेज है आपका एन एस पी का और यहाँ पर देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन दिखा रहा है यही यहीं पर क्लिक करने के बाद आप इस फॉर्म को भर सकते हैं ये फॉर्म को भरने में कम से कम आपको चार पाँच दिन का टाइम लगता है बिकॉज कॉलेज से आपको बोनाफाई सर्टिफिकेट निकालना पड़ता है साइन करा कर अपलोड करना पड़ता है लंबा प्रोसेस है तीन चार दिन का टाइम लगता है क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप ये फॉर्म भरा जाता है तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा कि एन क्या है मैं एक अलग से एन पर फॉर्म भरने को लेकर एक वीडियो बना दूंगा जिससे आपको मदद हो सके किस तरीके से आप फॉर्म भर सकते हैं ठीक है तो वीडियो को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूं वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो हैव ए गुड डे